Today we are going to look again about miracles. आज एक बार फिर हम miracles के बारे में, ये चमत्कार के बारे में देखेंगे. हम पिछले 3-4 हफ्तों से इस पर विचार करते आ रहे हैं. From last 3-4 weeks we have been talking about miracles and we have seen few of the miracles of Sri Lord Jesus Christ. हमने कुछ चमत्कारों पर विचार किया है. And some of them were turning water into wine, और उसमें से कुछ थे जो पानी को दाखरस में बदल देना. And then we looked at the miracle of the demon possessed person being set free from his demon possession, और उसके बाद हमने एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति के छुटकारे के बारे में देखा. And also we heard Bracordi's testimony that how God made impossible into possibility. हमने इस बात को भी देखा कि भाई कोड़ी ने बताया किस तरह प्रभु ने असंभव को संभव करके दिखाया. Well, we looked into all those miracles and today we are going to look into few more miracles of Sri Lord Jesus Christ. आज हम कुछ और चमत्कारों पर ध्यान करने जा रहे हैं. And before we go into the miracles, I would like to create some kind of a background into what we are going to see. और इससे पहले कि मैं चमत्कार की घटना पर विचार करूं, मैं कुछ भूमिका को बनाना चाहूंगा. If you look into Genesis, God created the heavens and the earth. अगर हम उत्पत्ति में देखें तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से इस सारे संसार को, पूरे यूनिवर्स को बनाया. एंड वी देयर वी लुक दैट हाउ गॉड क्रिएटेड द होल यूनिवर्स. एंड आई एम वेरी डिलाइटेड टू रीड सम ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज. और मुझे जो विज्ञान की प्रगति की खबरें हैं उसे पढ़ने का मैं रुचि है. एंड द अदर डे आई वॉज रीडिंग अबाउट वन ऑफ द डिस्कवरीज they are going to do. They are going to create a telescope, a giant telescope. और मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि वे लोग, जो वैज्ञानिक लोग हैं, वे एक बड़े टेलीस्कोप को, दूरदर्शी को बनाने वाले हैं. And that's going to be completed in 2018. और वह 2018 में बनकर खत्म होगा. और and the director of the institute who is doing it, his name is Daniel, and he said that what we are going to see this through this telescope is when out of darkness the light came into existence. और उसका कहना यह था, जो director था, Daniel नाम है उसका, उसका कहना था कि इस telescope के द्वारा हम इस बात को देखने पाएंगे वह क्षण जब अंधकार में से ज्योति आ गई. And sometimes I laugh at when I read some of those things. और कई बार मैं हंस पड़ता हूँ उन चीजों को पढ़ते वक्त. They spend all this money, millions and billions of dollars, and they spend all this energy researching all these things, and they come up with a conclusion that is already declared by God. और वे इतने सारे पैसों को, करोड़ों और अरबों रुपयों को खर्च करते हैं और इतना सारा अनुसंधान करते हैं, और आखिरी में जब वे उसके सारांश पे आते हैं तो बस परमेश्वर ने पहले ही बताया हुआ है. Because in Genesis, Bible says that on the face of the deep there was darkness and the Lord Spirit was hovering on the face of the deep. और गहरे के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था. एंड देन गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट. और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि ज्योति हो जा और ज्योति हो गई, उजियाला हो जा और उजियाला हो गया. सो दैट इज द थिंग दैट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू सी थ्रू द टेलीस्कोप. और वह चीज है जिसे आज वैज्ञानिक उस दूरदर्शन के द्वारा, दूरदर्शी के द्वारा देखने की कोशिश कर रहे हैं. एंड नॉट ओनली दैट, दैट आल्सो प्रूव्स दैट बिफोर द सन वाज, बिफोर द मून वाज, बिफोर द अदर स्टार्स वेयर, फर्स्ट थिंग दैट वाज क्रिएटेड वाज द लाइट. और यह भी इस बात को साबित करता है कि पहले उन सारी चीजों के बनने के
सूरज चंद्रमा और तारों के बनने के पहले परमेश्वर ने उज्यालों को बनाया एंड द लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सन और जो उज्याला है वह सूरज से अलग सूरज के बिना भी उज्याला हो सकता है एंड गिविंग दैट बैकग्राउंड I want to tell you that God can create anything out of nothing. और परमेश्वर किसी भी चीज को जो अस्तित्व में नहीं है उसे अस्तित्व में ला सकता है उसे बना सकता है There was no light before it and God said let there be light and there was light. और पहले कोई रोशनी नहीं थी और परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई And I recall that Last year I was talking about the miracles of Sri Lord Jesus Christ. और मैं मुझे याद है कि पिछले साल जब मैं प्रभु मसीह के चमत्कारों पर बोल रहा था and I said one thing that Lord has said that the same kind of miracle that I was talking are going to happen. और उस समय मुझे याद है कि परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि वही चमत्कार जिस पर मैं विचार कर रहा था होंगे एंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट द डीमन पोसेस्ड पर्सन एंड हाउ ही वॉज मेंटली डिस्टर्ब्ड एंड हाउ ही वॉज इन टेरिबल सिचुएशन और मैं उस समय में एक मानसिक तनाव से भरे हुए दुष्टात्माओं से पीड़ित व्यक्ति के छुटकारे के बारे में बता रहा था कि किस तरह वह मानसिक तनाव में था एंड The satsang was over and one person who was not even in the satsang came and he asked for prayer for specific things that were in line to that very same thing. और satsang के बाद में एक व्यक्ति जो satsang में नहीं था वो बाहर से आया और उसने उस चीज के लिए उसी चीज का जिसको मैंने कहा था उसके लिए प्रार्थना करने का निवेदन किया एंड वी प्रेड फॉर हिम एंड लॉर्ड सेट हिम फ्री और हमने उसके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे छुटकारा दिया एंड आई डू नॉट नो व्हाई दिस इज द अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिरेकल्स एंड आई हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड स्पेसिफिकली और मुझे नहीं मालूम क्यों आज हम फिर एक बार चमत्कार पर विचार कर रहे हैं और प्रभु ने एक बार फिर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है दैट वी आर गोइंग टू सी टू काइंड्स ऑफ मिरेकल्स टुडे कि आज हम दो तरह के अद्भुत कामों को आज यहाँ पर देखने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू रिसीव क्रिएटिव मिरेकल्स द थिंग्स दैट डू नॉट एक्सिस्ट आर गोइंग टू कम इन टू एक्सिस्टेंस हम आज सृष्टि के चमत्कारों को देखने वाले हैं जो चीजें पहले उपस्थित नहीं अस्तित्व में नहीं है वह अस्तित्व में आने वाली हैं। इट कैन बी दैट डॉक्टर्स हैव रिमूव्ड सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स थ्रू सर्जरी एंड प्रॉब्ली दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम बैक टुडे और इट कैन बी पॉसिबल दैट यू आर बॉर्न विद सम डिसेबिलिटी समथिंग दैट वॉज नॉट इन द बॉडी दैट शुड हैव बीन देयर एंड Those things can come into existence today. Also, it can be that in the physical realm, there can be things that you do not have. Those things can come into existence. यह हो सकता है कि शल्य चिकित्सा के द्वारा डॉक्टरों ने आपके शरीर के अवयव को निकाल लिया हो वह चीजें आज वापस परमेश्वर दे सकता है बना सकता है और यह हो सकता है कि जन्म से ही कुछ चीजें शायद आपके शरीर में नहीं हो जो होनी चाहिए थी उन्हें परमेश्वर वापस बना सकता है और यह भी हो सकता है कि आपको कुछ और भौतिक चीजों की आवश्यकता हो जो वहां पर नहीं है जो अस्तित्व में नहीं है उन्हें परमेश्वर अस्तित्व में ला सकता है दैट इज पॉसिबल एंड द सेकंड टाइप ऑफ थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज मिरेकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और जो दूसरे तरह का चमत्कार होने वाला है वह चीजों को बढ़ाने का चमत्कार होने वाला है इट कैन बी दैट देर आर सम थिंग्स दैट आर इन सफिशियंट इन योर लाइफ आर दे आर नॉट इनफ देर एंड लॉर्ड कैन इंक्रीज देम मल्टीप्लाई देम